के सब दीवाने, जो खो गया वो ही जाने, बातें किताबों की, रातें हैं ख्वाबों की, हर ख्वाब इजहार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। आप अंगद को कुछ नहीं करेंगे, कुछ डैड। ये तो निशांत की डायरी लगती है। आज मुझे तानिया बहुत अच्छी लगी। तानिया के लिए मेरे मन में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर लड़की के मन में अपनी शादी को लेकर पता नहीं कैसे कैसे सपने होते हैं, और आज वो उन सब सपनों को एक तरफ करके बुआ जी के लिए मेरे साथ शादी का नाटक करने को तैयार हो गई। आज मुझे पता चला कि तानिया का नाम कृपा है और प्रतीक अंगद और कृपा का बेटा है। कृपा, I need to talk to you. It's very urgent. मुझे पता चल गया है कि निशान का कातिल कौन। चलो मेरे साथ। अरे कनन, अभी अभी तो आई हो, तुम दोनों कहाँ चल दिए? हम बस अभी आते हैं, चलो कान्हा। तानिया, निशांत की डायरी। Welcome back, Dad. वापस आके तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे ना? कैसी बातें करो बेटा? I'm extremely happy to be back. और वैसे भी अब्रॉड में तो अब्रॉड? कितनी अजीब बात है ना कि आपका अब्रॉड का एड्रेस गुलशन बंगलो ताड़ी माड़ी रोड मड आइलैंड है। और मुझे जिंदा देख के तो आप बिल्कुल ही खुश नहीं हुए होंगे, है ना? मैं इतने साल इस घर में रही, जानती थी आप बहुत घिनौनी हरकत कर सकते हैं, पर खुद अपने बेटे को मारने की, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका इरादा तो कामयाब नहीं हुआ, पर इस सब में एक बहुत अच्छे इंसान की जान चली गई। जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जी तो करता है आपको कड़ी से सजा दिलाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आपको डैड जो कहता हूं, और इससे भी बड़ी वजह तो यह है कि
कार्तिक आपसे बहुत प्यार करता है। इसका बस चले तो ये या आपके लिए सारी सजा काटने के लिए भी तैयार है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपने ये सब किया क्यों? बहुत थक गया हूं मैं बेटा। तुम्हें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी देने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुम आज जिस मकाम पर हो ना बेटा, तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन तुमने इस बात को कभी एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपने बाप में कभी कोई खूबी नजर ही नहीं आई। तुमने कहा कि तुम मुझे डैड कहकर बुलाते हो, इसलिए तुम मेरा लिहाज कर। अरे यही तो दुख है मुझे बेटा कि तुम मुझे डैड कहकर बुलाते हो लेकिन डैड समझा नहीं कभी। अंगद खन्ना द ग्रेट रॉक स्टार द सुपर स्टार अंगद खन्ना, बड़ा नाम है ना ये? अरे मैंने बनाया तुम्हें अंगद खन्ना, आई एम द मैन हू हैज क्रिएटेड यू, लेकिन तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने अगर सोचा तो सिर्फ कृपा के बारे में सोचा, तुमने अगर सोचा सिर्फ करण के बारे में सोचा, तुमने अगर सोचा सिर्फ अवंतिका के बारे में सोचा। तुम सब पर अपनी जिंदगी अपना प्यार उठाते रहे लेकिन अपने बाप को भूल गए, अपने बाप को भूल गए तुम। हाँ मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की क्योंकि तुमने मुझे जीते जी मारा, तुम घुटने लगा था मेरा तुम्हारे इस इरादे से। जिस बच्चे को मेरा सब कुछ निकाल कर दिया हो उसी के हाथों में अपनी बेइज्जती आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकता था, कब तक? मैंने अब्रॉड जाने का बहाना बनाया और तुम्हें मारने का प्लान भी। मेरा निशांत को मारने का कतई इरादा नहीं था, वो तो गलती से मारा। मेरा उससे क्या लेना तेरा, मेरा मतलब तो इस बस करो दिलीप, मैं और नहीं सुनना चाहती। अंगद, राज ने जो किया उसके लिए हम में से कोई भी उन्हें कभी माफ नहीं कर पाए, बट आफ्टर ऑल ही इज आवर डैड, ये हमारे पापा हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका एक बेटा ऐसा है जो आपको बख्शने के लिए तैयार है। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ अभी पुलिस को बता दूं, लेकिन सिर्फ कार्तिक की वजह से रुकाऊं। आप प्लीज हमारी जिंदगियों से दूर चले जाइए, जस्ट लीव, तुम्हारा हमारी जिंदगी में कभी कदम मत रखिएगा। आपको पैसे की जरूरत थी ना, तो मैंने बहुत सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बट प्लीज जस्ट लीव। मैं अपने पोते के फैसले से सहमत हूं। लॉर्ड कनन, तुम नहीं जानती सच्चाई का पता लगाकर तुमने मेरा बोझ कितना हल्का कर दिया। निशांत के लिए मुझे इतना करना ही था, नहीं तो। कृपा, जैसे ये काम तुम्हें निशांत के लिए करना था वैसे मुझे कार्तिक के लिए करना था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं कि सब कुछ ठीक हो गया। जी पापा। कृपा बेटा, तुम जल्दी से घर चली आओ, कुछ जरूरी बात। पापा, बुआ जी ठीक तो है ना? मैं अभी फोन पर तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस जल्दी से घर आ जा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ कृपा? पता नहीं कनन, बस मुझे जल्दी घर आने का है, मैं चलती हूँ।
कनन, ये तुम्हारे लिए आया था। थैंक्स। अंगद, ये तो खाली है। ऑफ कोर्स खाली है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। अंगद, ये मेरे नाम पे आया था, फिर तुमने इसमें से चीजें क्यों निकाली? बैड मैनर्स अंगद, इसे चोरी कहते हैं। ओह या, सो आई थिंक दीज आर आल्सो बैड मैनर्स कि तुम बिना किसी को बताए अपने एजेंट को फोन करके अपने लिए टिकट मंगाओ और बाहर जाने का प्लान बनाओ। क्यों? दैट्स बैड। इसे धोखा कहते हैं, फ्रॉड। 400 बीसी। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। हाँ, बताती तो जरूर, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट जाके, वो भी टेक ऑफ से पहले, और फिर सिर्फ 3 मिनट बात करती और कहती मैं जा रही हूँ, लेकिन जानती नहीं कहाँ, बता नहीं सकती कहाँ, और फिर कभी कॉल बैक नहीं करती। क्यों? बेवकूफ, तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हें जाने देता? पता है नहीं जाने देते, इसीलिए मैं एयरपोर्ट जाके तुम्हें फोन करती और तुमसे 3 मिनट फोन पर बात करती, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। That would have been the best thing. कनन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इस बीच जो भी कुछ हुआ वो सब। अंगद प्लीज, आई एम नॉट रनिंग अवे। नो सीरियसली, पता नहीं क्यों, लेकिन आई नो आई हैव टू डू दिस। और अंगद, तुमसे भागकर मैं जाऊंगी भी कहाँ? और अगर वहां जाकर मैं बोर हो गई और इफ आई रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, मैं जानती हूँ ये घर मेरा ही है, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। क्या करोगी लंदन जाके? वहां के एक म्यूजिक स्कूल में मुझे जॉब मिल गई है, मैं वहां जाकर म्यूजिक सिखाऊंगी। अपने देश में म्यूजिक के नाम पर इतने सारे लोगों को परेशान कर चुकी हो, अब लंदन वालों को तो बख्श दो। तुम जाती हो तो मैं तुम्हारा म्यूजिक सुनने के लिए तैयार हूँ, बार बार, जितना तुम चाहो। Really, I mean it. अंगद, अपनी खुशियों को अपना लो, जिंदगी में दूसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। You are very lucky. I'll miss you, Kanan. वो तो मैं जानती हूँ, because I am the best. और वैसे भी मेरे जैसी दोस्त तुम्हें मिलेगी कहाँ? भाई वो तो है। अच्छा, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और मुझे ये बताओ कि मेरी टिकट कहाँ है। एक्चुअली कनन, वो सुर को ड्राइंग के लिए कुछ रफ पेपर चाहिए था, तो मैंने तुम्हारी टिकट दे दी। अंगद, अब भी जाके मेरी टिकट लेके आओ, राइट नाउ। मैं भी आया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अंगद, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, पर मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें हैं और मेरे लिए वो अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए काफी है। कैसा ये प्यार है। आप लोग सब चुप क्यों खड़े हैं? पापा, आपने कहा था घर आ जाओ फिर बताता हूं, अब आप लोग चुप क्यों? पापा, बुआ जी कहां? और ये अंधेरा क्यों कर रखा है? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। बुआ जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। दरअसल निशांत का मर्डर। निशांत की हत्या दिलीप खन्ना ने की, यही ना? मुझे अंगद ने सब कुछ बता दिया है बेटा। तुम्हें नजर झुकाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, तेरे सामने हमारी नजर इज्जत से झुकनी चाहिए। तूने जो कुछ किया
वो करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए मैं जानती हूँ। और फिर मैं ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे निशान की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए। आपको ये सब कैसे पता चला? बेटा मुझे निशान की डायरी मिल गई। तूने मुझसे झूठ कहा था ना? निशान की आखिरी ख्वाहिश हम सबकी खुशी है। मैंने सब पढ़ लिया और अंगद को फोन किया। उसे यहां बुलाया और ये फैसला किया कि तू जिसकी अमानत है उसके पास लौट जाए। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो तुम अब घर जाओ, नीचे जाओ, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कल सुबह दादी और बुआ के साथ आना। चलो 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 चलो। अच्छा कृपा, मैं क्या सोच रहा था, ये जो नाम है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आई थिंक वी शुड चेंज द नेम, बच्चे का नाम चेंज कर देना चाहिए। पिछले 8 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं किया जब तुमने बेबी के लिए नया नाम नहीं रखा हो। कभी कहते हो सत्या रखेंगे, फिर कहते हो नहीं वो नाम बहुत छोटा है, फिर कहते हो सत्यार्थ रखेंगे, फिर कहते हो वो नाम बहुत बड़ा है, फिर कहते हो विहान रखेंगे। नहीं नहीं, लोग उसे विमान कहकर चढ़ाएंगे। तुम पहले डिसाइड करोगे? नहीं नहीं, इस बार फाइनल प्रॉमिस, लास्ट। हर बार यही कहते हो पर इस बार तो नाम मैंने फाइनल कर दिया है और जो मैं कहूंगी वही होगा। कम ऑन कृपा, भाई मुझे भी हक है इसका नाम चुनने का, मैं बेटा मेरा भी है। तो मैंने कब कहा पड़ोसी का है? कृपा तुम भी ना, ये प्रेगनेंसी की मूड स्विंग्स ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती है। तुम ही एनकरेज करते हो मुझे उल्टा कहने के लिए। वो हमेशा मुझे क्यों ब्लेम करती? अरे हद करती हो तुम तो ऑलवेज, क्योंकि तुम ही झगड़ा शुरू करते हो हमेशा। जाओ अभी जाकर देखो। अनदेखी अनजानी क्या ये मोहब्बत है, चुपके से मिलते दिलों की ये आहट है, क्यों प्यार के सब दीवाने, जो खो गया वो ही जाने, बातें किताबों से। सुनो मैं कल तुमसे कहना भूल गया था। क्या? I love you. I love you too.